चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। जी हाँ, बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बस और बाइक के बीच भीषण टक्कर का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बस ने तीन छात्रों को रौंद दिया है। बोर्ड के एग्जाम के पहले ही दिन ये बड़ा हादसा हो गया है। एग्जाम देकर घर वापस आ रहे थे छात्र, उसी बीच ये बड़ी घटना जो हुई है बरेली की, ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं दो छात्र गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां बस और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एग्जाम देकर ये जो है छात्र आ रहे थे बाइक पर, और उसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें पहले तो तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक की मौत हो गई है। इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए बरेली से हमारे संवाददाता शशांक राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, बरेली में बड़ा भीषण हादसा हो गया है, क्या कुछ अपडेट्स है, क्या आपको आवाज आ रही है शशांक? तो चलिए, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं बरेली से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बाइक जो है तस्वीर में और ये बस, इन दोनों के बीच जो है भिड़ंत हो गई, और ये जो एग्जाम देकर छात्र आ रहे थे और उसी बीच बीच सड़क पे यह हादसा हो गया। तीनों बच्चे जो है पहले तो गंभीर रूप से घायल थे, फिर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। इसी के साथ शशांक हमारे संवाददाता फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शशांक, बरेली में ये भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक बस और बाइक की भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक बच्चे की मौत की खबरें भी अभी सामने आई है, क्या कुछ अपडेट्स है? आपको बताना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम के पहले दिन ये बड़ा हादसा हुआ है, जो डग्गा मार बस ने एक बच्चे को रौंद दिया, जिसमें दो लोगों की हालत गंभीर है और एक की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया क्या? बस चालक पुलिस की गिरफ्त में आया या फरार हो गया है? वहाँ पे जन लोगों ने क्या कहते हैं, आक्रोशित होकर बस को तोड़फोड़ की है, और पुलिस अभी उस पर कार्रवाई कर रही है, और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेता की ये बस बताई जा रही है। और जिस तरीके से देखा जाए तो बरेली में डग्गा मार बसों को लेकर प्रशासन क्या कहते हैं, बिल्कुल भी उस तरफ कार्रवाई नहीं कर रहा है और ये घटनाएं घटित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मामला कह सकते हैं कि राजनीति से भी जुड़ गया है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नेता की ये बस है, तो इसीलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, पुलिस कार्रवाई में जुड़ी हुई है, और लोगों की भीड़ जब इकट्ठी हुई, वहां पे जन आक्रोश हुआ और तोड़फोड़ भी मचाई गई, तो पुलिस ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। बच्चों के परिजनों का क्या कहना है शशांक? एक बच्चा जो है जिसकी मौत हो गई है और बाकी दो घायल बच्चे हैं, उनके परिजनों का क्या हाल है और उनका क्या कहना है इस पूरी घटना पर? परिवार में कोहराम मच गया जब इस खबर को पता लगा कि उनके बच्चे की मौत हो गई है, और वो प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं आगे ना घटित हों और उस पर एक्शन लिया जाए। जी, और ये बच्चे तो नाबालिग ही होंगे, जैसे कि हम खबरें हमारे पास आई है कि नाबालिग ही होंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा देकर आ रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की भी लापरवाही देखी जा सकती है कि नाबालिग होकर ये ऐसे वाहन क्यों चला रहे थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आजकल बच्चे अपनी बाइक लेकर निकल जाते हैं, नाबालिग हैं और हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा का एग्जाम देकर आ रहे थे बच्चे, और तेज रफ्तार में बाइक कहीं ना कहीं चलाते हैं आजकल, तो नौजवानों को भी इसमें सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा अपडेट हमने आपको बरेली से दिया, जहां एक बस और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं।